Hi guys, it's JKSSB Mentors team, Swail sir and me. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, हमें एक पक्की खबर मिली है इंटरनल सोर्सेज से कि आपका जो एग्ज़ाम है इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली कंडक्टेड इन दिसंबर और लास्ट वीक ऑफ नवंबर. आपको ये एक थ्रेशहोल्ड माइंड में मान के चलना है, इसी थ्रेशहोल्ड को मान के आपको प्रिपरेशन करनी है. आप क्या करेंगे आज से, आप रिवीजन पे फोकस करिए. और मैं ये कल ये वीडियो मैसेज में कल ही डाल देता, लेकिन मसला ये था कि कल थोड़ा मैं बिज़ी हो गया. बात आती है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक दो जो है इनिशियल रीडिंग्स की है पूरे सिलेबस की, और दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, स्टडीज़ को छोड़ेंगे. मैं आपसे कहता हूँ, अभी बिल्कुल भी ऐसा मत करिए. डोंट गिव अप, दिस इज़ द लास्ट मिनट. जो इस मिनट पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिलो एवरेज, एवरेज, एबो एवरेज कुछ नहीं चलता है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ता चलता है तो आपने कितना स्मार्ट वर्क किया है, आपने कितना डेडिकेशन दिखाया है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसका कितना रिविज़न किया है आपने, वो चलता है आपके एग्ज़ाम में. कोई यूनिवर्सिटी का टॉपर होगा 99% लिया हुआ, वो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होगा, नोट नहीं बनाएगा, कंसल्ट नहीं, बोलेगा एक रीडिंग में किया है तो करूँगा, नहीं होगा उसका, गारंटी ले लो. कोई बहुत बिलो एवरेज बंदा लेके हर एक मतलब जो क्लास में है ग्रेजुएशन में 33% लेके आया होगा, 33% लेके आया होगा, लेकिन उसके पास प्रॉपर नोट्स बने होंगे और उसने अच्छे से रिवाइज करता रहेगा इन दिनों भी, क्योंकि आपके लास्ट डेज हैं अभी भी. हालांकि आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम है, तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी स्टडीज़ गिव अप नहीं करना है. बहुत सारे लोग डिमोरलाइज हो गए, अब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा. भाई एग्ज़ाम तो आपका होगा क्योंकि कोविड थर्ड वेव भी ख़त्म हो गई है. आर्टिकल 370 वो जो किससे सारे जो जिससे डिले हो जाता था वो तो सारा ख़त्म हो गया. और अगर इन आपके लिए जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आपका एग्ज़ाम फिर मार्च में होगा. मार्च भी दूर नहीं है, ठीक है. और वर्स्ट केस सिनेरियो आपका एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा. हमारे सर भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़े हार्ड वर्किंग बंदे हैं, आपसे वहाँ पे टेस्ट कराते हैं, आपको वहाँ पे ज़बरदस्त टेस्ट क्विजेस करवाते हैं, खुद भी करते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और बड़े अच्छे, उनका डेडिकेशन लेवल बहुत हाई है. तो ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, बहुत अच्छा स्कोर लेके आया है. पंचायत अकाउंट डिस्ट्रिक्ट में भी उनका अच्छा स्कोर रहा था, तो इस बार होपफुली. तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जो गिव अप करना चाहते, जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या हम गिव अप करें, किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, ये लास्ट मिनट पे आप ये गलती मत करिए. आपके 97 की 95 टॉपिक्स बनते हैं, लिस्टिंग बनती है, जो मैंने आपको इससे पहले ही वीडियो डाला था चैनल पे, तो वो आप क्या करिए, आप दिन में 10-10 टॉपिक्स पढ़िए शॉर्ट, ठीक है. उनको ज़्यादा नहीं, मतलब आपको ज़्यादा नहीं, मतलब वो डोंट हैव टू डिग डीपर. आपको डिटेल्स जो अननेसेसरी डिटेल्स है, IAS लेवल का नहीं पढ़ना है, SSC लेवल का भी नहीं पढ़ना है आपको. आपको बिल्कुल जो कंडेंस्ड वीडियोस, बहुत सारी चैनल्स हैं, ऐसी अच्छी चैनल्स हैं जिनके एग्ज़ाम कराकर हैं, जो भी है विंग से उड़ान है जो है, हालांकि मैं फ्री एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे पैसे नहीं ले रहा हूँ. आप वहाँ पे अच्छे जो उनके प्ले लिस्ट बने हुए साइंस के, मैथ्स के, वो अलग अलग वो आप देख लीजिए, या जिन्होंने जो नोट्स बनाए हैं वो उसको रिवाइज करिए. करंट अफेयर्स के लिए कोई एक 6 मंथ्स की बुकलेट्स आती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पब्लिश करते हैं 70-100 रुपये में आपको देते हैं, उसमें से रोज़ आप 100 MCQs पढ़िए, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है. और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आपके JK एग्ज़ाम क्रैकर के मॉक टेस्ट हैं या JK एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट हैं, आप हर दिन फुल लेंथ 2, 1 सुबह 1 शाम को मॉक टेस्ट करेंगे. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर दिन 240 MCQs करते हैं, जो स्टैंडर्ड MCQs होगी, वो तो आपके 2 महीने में कितने हो गए, 60 आपके डेज बनते हैं. सपोज़ आपके 200, 6 to 12, दैट्स अबाउट 15,000 MCQs, तो आपका पेपर उसी में से आएगा, और उससे आपको अपने वीक एरियाज़, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ का पता चलेगा, एंड यू कैन एनालाइज योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स, एंड यू कैन अकॉर्डिंगली वर्क ऑन देम. सो माय फाइनल मैसेज इज़ कि गिव अप नहीं करना है, इट्स वेरी मच अचीवेबल. देखो क्या है ना कि सीधे मुझे वो एग्जेजरेट करना नहीं आता है, मैं सीधे लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि बायो नेशनल टूथ बोर्ड एग्ज़ाम किया, SSB नहीं टूथ, अच्छा
मान से इन चीज़ का रॉकेट साइंस के, और जो अच्छा बंदा होगा ना एबो एवरेज, वो 10 दिन में पढ़ेगा ना, 10 दिन में क्रैक करेगा इसको। कितने टॉपिक है, 95 / 10, 9.5 टॉपिक्स ईच डे, ख़त्म खेल। बिल्कुल सर, और मैं एक और यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो सर यहाँ पे हमारे बहुत बड़े इंस्पायरेशन है हमारे लिए, तो मैं एडमिन से भी कहना चाहूँगा इररिलेवेंट मत कुछ यहाँ पे ये पोस्ट किया जाए। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस ग्रुप को हमने एक, ये एक सोशल सर्विस है, एक मतलब बिल्कुल कोई प्रॉफिट नहीं हम जनरेट कर रहे हैं इससे, तो इसको हमने एक इनिशिएटिव लिया है। एक वहाँ पे आप मडस्लिंगिंग मत करिए, आप एक दूसरे को वो, डोंट मेक इट ए गैंग, गैंग वॉर मत चलाइए, कोलिशन पॉलिटिक्स मत चलाइए हमारे ग्रुप में, ठीक है। जो, और मैं बहुत शॉर्ट टर्म बर्ड हूँ, मैं यहीं पे कन्फेशन करता हूँ, अगर मैं ग्रुप में आता नहीं हूँ रोज़, अगर मैं कभी आया तो मैंने देखा कोई ऐसा कर रहा है, यू विल बी यू नो एलिमिनेटेड फ्रॉम द ग्रुप दैट मोमेंट, दैट वेरी मोमेंट। और जितना भी हो सके आप MCQs फॉरवर्ड कर सकते हो, MCQs आप फॉरवर्ड करो, ये एक अच्छा कॉज है, एक अच्छा ह्यूमैनिटी के लिए। अगर आपका कल कोई सिलेक्ट हो जाएगा, उसकी लाइफ बन जाएगी, उसकी फैमिली की लाइफ बन जाएगी, उससे हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तुर्रम खानी छोड़ दो कि ओवर स्मार्टनेस कोई दिखाएगा ग्रुप में, ये वगैरह वगैरह, वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द ग्रुप, अदरवाइज विल बी एलिमिनेटेड। थैंक यू गाइज़।